प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है नशा। नशे की आदत को छुड़ाने के लिए आज मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा। नशे के विषय में किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जो डूबे हैं गिलासों में न उभरेंगे जिंदगानी में, हजारों ही बह गए इस बंद बोतल के पानी में। नशे की आदत के कारण हजारों लाखों घर बेघर हो गए, घरों में लड़ाइयां, पैसे का बड़ा नुकसान, मेहनत की गाढ़ी कमाई नशे में चली जाती है व्यक्ति की। ये लत बहुत बुरी लत है। तो आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो वास्तव में नशे से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो नशे को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ये वीडियो आज उनको हेल्प करेगी, उनको नशे से मुक्ति दिलाएगी जो नशे से मुक्त होना चाहते हैं। जो होना नहीं चाहते वह भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं न ठाने अपने मन के भीतर, तब तक संभव होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ठानना होगा अपने भीतर कि मुझे इस नशे से मुक्त होना है, मुझे शराब को छोड़ना है, मुझे बीड़ी सिगरेट तंबाकू के नशे से मुक्ति चाहिए। ऐसा मन में आपको ठानना होगा। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय किसी भी प्रकार का जो नशा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब अफीम तक, जो व्यक्ति नशे की लत में लगे हुए हैं और दिन रात, कुछ लोग तो सुबह उठते ही उनको शराब से ही वो उनकी आंखें खुलती है, पानी की जगह शराब का सेवन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे रास्ते, उन्होंने बताया कि हम सुबह जब उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले हमें शराब की ही लत लगती है। तो ऐसे लोगों की भी लत छूटी। बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करने के बाद ये वीडियो आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे बहुत ध्यान से सुने और इसे शेयर जरूर करें ताकि उन सभी लोगों तक ये पहुंचे जो आज नशे की लत को छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय हैं। सबसे पहले मन को संकल्पित करना होगा। मन को संकल्पित करने के लिए योग बहुत कारगर है। जिनका संकल्प थोड़ा कमजोर है, योग करो तो आपका संकल्प भी मजबूत होगा। साथ में जो नशा करने से जो शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो गई, जो सल्फर की मात्रा कम हो जाती, मॉडर्न साइंस ने रिसर्च किया और पाया कि जो लोग नशा करते हैं उनकी बॉडी में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। सल्फर की मात्रा कम होने से वो बार बार उस लत के आदि हो जाते हैं, उनको बार बार वही नशा चाहिए जो वो करते रहते हैं। तो ग्लैंड जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको भी ये योग का अभ्यास स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, आपके लत को छुड़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो कौन सा ये अभ्यास है आप ध्यान से देखें। योग में से नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों की शुद्धि करेगा। जो शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम के नशे से जो टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर आ गई उसे बाहर निकालेगा। नाड़ी शोधन कैसे करना है, आपको पहले प्राणायाम मुद्रा बनाना है। अपने फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखें। अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल, अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करें, धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को लें, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भरें। श्वास को अंदर ही रोकना है, महसूस करें श्वास को अंदर ही। जालंधर बंद लगाएं और मूल बंद लगाएं, अपने शरीर की शक्तियों को जागृत करें। मूल बंद एनस भाग को, अपने मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचें। जालंधर बंद गर्दन को थोड़ा सा नीचे की ओर, अपने चिन्ह को कंठकूप से ऐसे टच कर दें। फिर राइट से श्वास को बाहर छोड़ें बंद हटाते हुए, राइट से श्वास लें धीरे धीरे, पूरा श्वास अंदर भरो, बंद लगाओ, जालंधर बंद और मूल बंद।
लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दो, धीरे धीरे। इस प्रकार से आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। ये एक चक्र आपने अभी देखा, लेफ्ट से शुरू किया, श्वास को अंदर रोका, बंद लगाया, जहलंदर बंद, मूल बंद, नाभि से नीचे का भाग, हमारी मूत्र इंद्रियां, हमारे एनस भाग, उसको ऊपर की ओर खींचा, रोकने के पश्चात फिर बंद हटाएं और राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से ही श्वास लिया, श्वास को रोका, बंद लगाएं, महसूस करें श्वास को अपने अंदर, लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया। श्वास को लेने में, रोकने में और छोड़ने में एक समान समय होना चाहिए। यदि 10 सेकंड श्वास को लेने में लगते हैं तो 10 सेकंड ही श्वास को अंदर रोकें और 10 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ें। पूरी मन की शक्ति का प्रयोग करना है। प्राणायाम का अभ्यास करने से मन की शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्राणायाम भी मन की शक्ति से ही किया जा सकता है। तो जो शेष शक्ति आपके भीतर है उसका प्रयोग करें नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हुए, और मन में संकल्पित करें, अपने आप को ठाने कि मुझे नशे से मुक्ति पाना है, मुझे इस नशे की आदत से मुक्त होना है, इस नशे ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, मेरी सामाजिक जीवन को समाप्त कर दिया। जो नशेड़ी होते हैं उनका कोई समाज में विश्वास नहीं करता, उनका समाज में कोई अहमियत नहीं होती, परिवार में उनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने आप में ही, अपने भीतर में ही नीचे गिरते चले जाते हैं। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हर रोज। जिनको बहुत ज्यादा नशे की आदत है शाम के समय भी करें, 5 मिनट शाम को करें, 5 मिनट सुबह करें, तो आप पाएंगे आपको नशे की आदत को छोड़ने में मन को शक्ति मिलेगी, आपका मन संकल्पित होगा। ये योग की बात है। अब दूसरा कुछ घरेलू उपचार मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुने और इसको भी करें। आपके घर में अदरक, सभी के घर पर अदरक जनरली यूज होता है, तो अदरक को साफ कर लें अच्छे से, उसके पीसेस कर लें, छोटे छोटे पीस काट लें, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दें, नींबू और सेंधा नमक आप उसमें डालकर उसको थोड़ा धूप में सुखा लीजिए। थोड़ी देर धूप में सुखाने के बाद फिर छाव में सुखाएं उसको। जब पूरी तरह से सूख जाए उसको आप डब्बे में रख लें। जब भी आपको नशे की तलब लगती है, आपको लगता है बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीना है, तम्बाकू खाना है, शराब पीना है, तो आप अदरक का पीस निकालिए और अपने मुंह में रख लीजिए उसको। बस इतना छोटा सा काम यदि आप कर लेंगे, और उसको चूसना है, काटना नहीं, उसको चूसते हुए चूसते रहो, उसके रस को लेते रहो लेते रहो, ब्लड में घुलेगा तो आपके सल्फर की मात्रा पूरी होगी। अदरक के अंदर सल्फर पाया जाता है। आपकी जो तलब है उस पर आपका कंट्रोल होने लगेगा। बहुत छोटा सा काम है। दूसरा अजवाइन। अजवाइन नशे को छुड़ाने में बहुत ही रामबाण काम करती है। जो बहुत ज्यादा नशेड़ी है, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, जिनका रोज शाम को बिना शराब पिए काम नहीं चलता, जो अफीम का नशा सेवन करते हैं, ऐसे लोग अजवाइन का प्रयोग भी जरूर करें। अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन को 1.5 ग्लास पानी में, लगभग 400 ग्राम पानी में डालकर उबालना है। उसमें आप 1 लौंग और 1 इलायची, छोटी इलायची, उसको भी आप उबाल लीजिए। जब पानी उबलते हुए 100 ग्राम रह जाए, आप इसे छान कर ठंडा कर लीजिए। दिन में जब आप खाना खाते हैं आप उसको पी लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा तलब होती है तो 2 बार पी लें। अगर कंट्रोल आप कर पा रहे हैं तो आप 1 बार ज़रूर पिए इसको, और साथ में अदरक का जो आपने तैयार किया पीसेस उसको चूसते रहें दिन में। तलब नहीं भी है तो शुरू में 7 दिन आप ऐसे भी चूस लें, 5-7 बार मुंह में रखें चूस लें। इससे आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, आपकी जठर अग्नि बढ़ जाती है और आप की बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ती है, दूसरे संक्रमण से भी आपको बचाता है, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है। तो अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करें जो बहुत ज़्यादा नशे की आदत से जो घिरे हुए हैं, और 7 दिन तक इसको ज़रूर करना है। यदि फिर भी आपको लगे कि और आवश्यकता है आपको, तो आप इसे 21 दिन तक करें।
जब तक आपका मन पूरी तरह से छोड़ नहीं देता नशे की आदत को, तब तक आप इसे कर लें। कम से कम 3 दिन 7 दिन ऐसे ही हमारी बॉडी में एक चेंज आता है, साइकोलॉजिकल एक चेंज आता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां चेंज होती हैं। तो आप 3 दिन से लेकर, कुछ लोगों की 3 दिन में छूट जाती है, कुछ लोगों की 7 दिन में छूटती है, कुछ लोगों की 21 दिन में छूटती है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है नशे के उनको 21 दिन तक लग जाते हैं, और जो बहुत ही इससे भी ज़्यादा जो सुबह उठते ही जिनको शराब से ही उनका आंखें खुलती है, शराब के छींटे लगते हैं तो उनकी नींद खुलती है, ऐसे लोग जब तक आपका मन शराब के नशे को छोड़ नहीं देता, जब तक आप इसको करते रहें, 3 महीने तक भी लग सकता है, आप करें इसे विश्वास के साथ करें, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस करना है। तो जो बहती हुई जो जिंदगी, जो आपकी शराब के नशे में जो पानी में बही जा रही है बोतल के, उससे मुक्त होना है और एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। ऐसा संकल्प करना है अपने भीतर कि बहुत हो गया नशा, अब नहीं, अब परिवार अपने बच्चों के विषय में सोचना है। यदि आप 1 सेकंड के लिए सोचें कि जो नशा आप करते हैं वही नशा यदि आपका बच्चा कल करने लग जाए तो आप पर क्या बीतेगी? आप चाहेंगे उस कि आपका बच्चा नशा की लत में घिरे, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, तंबाकू खाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो यदि आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के कोई भी लोग, आपका बच्चा, आपके आने वाली पीढ़ी नशे में आए, इसके गिरफ्त में आए, तो आपको पहले इसे छूटना होगा। तो योग में नाड़ी शोधन का अभ्यास करें और बहुत ध्यान से करें, और अदरक और अजवाइन का प्रयोग करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो, आप नशे से मुक्त हों और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी हो, आपका परिवार सुखमय रहे, आपके बच्चे नशे की आदत से मुक्त रहें, उसके लिए आपको छोड़ना होगा। बस मेरा ये निवेदन है सभी से, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।